इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्पाइरल कैसे डालते हैं। सबसे पहले आपने क्लाइंट का हेड वॉश करना है, फिर उनके बालों को स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है, फिर उनके फोर पार्ट करने हैं, बालों के फोर सेक्शन करने हैं या थ्री सेक्शन करने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। नेप एरिया से आपने स्टार्ट करना है, सेक्शन रोड चाहिए आपको, रोड के साथ इसको स्पाइरल डालने हैं आपने। ये देखिए मैंने कैसे डाल रहा हूँ, आपको तरीका पता चल गया होगा, इसी तरीके से आपने डालने हैं। आपने सेक्शन बाय सेक्शन सारे बालों को स्पाइरल करना है ऊपर से नीचे तक। अब आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि उनको पूरी लेंथ में स्पाइरल चली चाहिए या सिर्फ हाफ एरिया पे स्पाइरल चाहिए। वो आपने क्लाइंट को पूछना है कि आपको जो स्पाइरल है वो फुल लेंथ के चाहिए या फिर हाफ लेंथ के चाहिए। जैसे भी आपका क्लाइंट एग्री होता है वैसे ही आपने डालना है स्पाइरल, बट जो करने का तरीका है वो सेम रहेगा। ये देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। बड़े इसको ऐसे टर्न करना है हमने, जो एंड पॉइंट होता है उसको हमने रोड के अंदर लेना है पहले, सबसे पहले, फिर उसको हमने राउंड राउंड घुमाना शुरू करना है और फिर हमने रोड को होल्ड करके रखना है बालों के साथ। होल्ड हमने करना है 10 से 15 सेकंड, अगर बाल मोटे हैं तो आप 20 सेकंड भी कर सकते हैं, 25 सेकंड भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हेयर। अब आपने थोड़ा सा खोल के देखना है कि आपका जो स्पाइरल है वो स्टे हुआ है कि नहीं। अगर आप रोड खोलते हैं तो कई बार क्या होता है कि स्पाइरल खुल जाता है, लूज़ होता है, तो आपने फिर उसको टाइट करना है थोड़ा सा और आपने हीट देना है ताकि स्पाइरल स्टे हो जाए। आप इसके साथ स्प्रे भी लगा सकते हैं बालों को स्टे करने के लिए। ऐसे ही आपने सारे बालों पे स्पाइरल डालने हैं, नेप एरिया से क्राउन एरिया तक फ्रंट पे। तो जब आपके सारे स्पाइरल हो जाएं फिर आपने बालों को स्टाइल देना है जैसा भी आपका क्लाइंट कहता है कि उन्होंने टाई करने हैं या खुले छोड़ने हैं, वैसे ही आपने स्टाइल देना है। बड़ा ही अच्छा हेयर स्टाइल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेके आता रहता हूँ जो बड़ी नॉलेजबल होती हैं। दोस्तों इसी तरीके से आपने स्पाइरल डालने हैं सारे बालों में, बट स्पाइरल डालने से पहले कुछ कंडीशनें आपको मैंने बताई हैं कि आपने सबसे पहले क्लाइंट का हेड वॉश करना है, आपने कंडीशनर नहीं करना उनके बालों में, सिर्फ शैम्पू ही करना है। फिर आपने बालों को ड्रायर करके उनका स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है ताकि उनके बालों पे जितना भी फ्रिज है वो निकल जाए और बाल स्ट्रेट हो जाए। और आपने इतना भी स्ट्रेट नहीं करना कि बाल टर्न ही ना हो, सिर्फ आपने फ्रिज को ख़त्म करने के लिए मोटे मोटे सेक्शन लेके स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है ताकि जब आप स्पाइरल डालो तो स्पाइरल की फिनिशिंग अच्छी। दो तीन तरह की दोस्तों टोंग होती हैं स्पाइरल डालने के लिए, एक सबसे छोटी होती है, एक मीडियम होती है, एक थोड़ी सी मोटी होती है। और दोस्तों हम स्पाइरल आइनिंग से भी डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो बहुत जल्द ही दूंगा कि हम प्रेसिंग के साथ स्पाइरल कैसे डालते हैं। बहुत ही प्यारे स्पाइरल पड़ते हैं प्रेसिंग के साथ भी। पूरी लेंथ पे मैंने स्पाइरल डाल दिए हैं और उसके बाद आपने बालों को स्टाइल देना है। आप सेंटर पार्ट भी कर सकते हैं, आप साइड पार्ट भी कर सकते हैं, आप बालों को टाई भी कर सकते हैं, जैसे आपका क्लाइंट बोले आपने वैसा ही उनको स्टाइल हेयर स्टाइल बना देना है। बट बाद में आपने बालों को कॉम नहीं करनी, अगर कॉम करोगे तो बाल स्पाइरल ख़राब हो जाएंगे। देख